हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर, एक कदम सफलता की ओर। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर हिमांशु उपाध्याय। बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बाद देखिए, हमने अपना अपना फर्स्ट चैप्टर कोडिंग इनकोडिंग कंप्लीट कर लिया था, और अकॉर्डिंग टू मैंने आपको कहा था कि अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो हम वो टॉपिक उठाएंगे, बट इतने कमेंट्स मुझे मिले नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो हम रिदम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डायरेक्शन डिस्टेंस की हम बात करेंगे आज। तो डायरेक्शन डिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है डायरेक्शन डिस्टेंस, उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस और कुछ जो बेसिक हमारे पास में कंसेप्ट हैं, पहले हम उनका डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं या उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो आते देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस जो टॉपिक है आपके पास में, वो बेसिकली आपके पास में डायरेक्शन सेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करता हूँ आपके पास में, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और डिस्टेंस जो है वो इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन डिस्टेंस के ऊपर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें डायरेक्शंस का आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया हमें ऑलरेडी है कि डायरेक्शंस चार हैं हमारे पास। जो भी बेसिक चार डायरेक्शंस हैं वो कौन सी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। लेकिन इन डायरेक्शन डिस्टेंस की, इन चार डायरेक्शन के अलावा भी और चार डायरेक्शन है क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर वो डायरेक्शन भी काम में आएंगी। तो सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेंगे कंसेप्ट में, क्योंकि हमें क्वेश्चंस पे ज़्यादा वर्क करना है। तो मैं आपके सामने एक डायरेक्शन डिस्टेंस का चार्ट या क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, ये हमारी बेसिक जो डायरेक्शंस होती है वो हैं, ये हमारे पास में नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ये तो चार बेसिक डायरेक्शंस हैं हमारे पास में, ठीक है। इसके अलावा चार डायरेक्शन की सब डायरेक्शंस होती हैं, इनको मेन डायरेक्शंस कहते हैं, और चार सब डायरेक्शंस होती हैं। उसमें हमारे पास में एक तो हो गई ये वाला और एक हो गया ये सेक्शन। तो टोटल चार डायरेक्शन और हो गई जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है इसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ के बीच में, तो इनमें जो जो भी हैं उनके नाम हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, क्योंकि तो जो जिसके बीच में है उन्हीं के नाम आएंगे। तो टोटल हमारे पास में आठ डायरेक्शंस हो गई। ये हमारे पास में मेन डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इनको मेन डायरेक्शंस कहते हैं। और इसके अलावा ये जो होती है इनको सब डायरेक्शंस कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? अब इनका रिलेशन किस तरीके से होता है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यदि चलना स्टार्ट करता है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी चल सकता है और इन सब डायरेक्शंस में भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है उनके एंगल पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो एंगल होगा ये 45 होगा और ये जो एंगल होगा ये 90 होगा। सबके बीच में यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। हर डायरेक्शन के बीच में आप देखोगे तो 45 और 90। अगर आप मेन टू मेन जाएंगे तो 90 का डिफरेंस होगा, अगर मेन टू सब जाएंगे तो 45 का डिफरेंस होगा, और यदि सब टू सब आएंगे तो भी 90 का डिफरेंस होगा। ये ध्यान रखना, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक कंसेप्ट और मैं आपको इसके अलावा इसमें बता देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन का किस तरीके से रोल प्ले होगा। आई थिंक क्लियर है सबको। चलिए तो अब नीचे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसको, उसके बारे में एक कंसेप्ट और है। ये तो नंबर वन हो गया आपके पास में कि किस तरीके से डायरेक्शन चार्ट हम मेंशन करेंगे। सेकंड एक है हमारे पास में कि जब आप मूव करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा उसमें आपका मूवमेंट दिखाई देगा। तो जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं तो मूव दो तरीके से होता है। यदि आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बार बार, यदि आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक सर्कल क्रिएट करेंगे, या फिर इसको कहें तो आप एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे, या फिर इसको कहें तो आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब आप इनडायरेक्टली कहा जाए तो क्लोज पाथ बनाएंगे जब भी आप क्या बोलेंगे सेम डायरेक्शन में चलेंगे। सेम डायरेक्शन में अपनी चेंज करेंगे डायरेक्शंस को, सेम डायरेक्शन में या तो आप लेफ्ट मूव करेंगे या फिर सेम डायरेक्शन में आप राइट मूव करेंगे। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ये क्या होता है। जैसे सपोज आपने इस पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया,
आप थोड़ा डिस्टेंस सपोज 4 किलोमीटर चल के यहाँ आ गए, इससे आपको क्वेश्चंस में फायदा होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और कोई चांस नहीं है इसको बताने का, कोई रीजन नहीं है। इस पॉइंट से यदि आपको लेफ्ट लेना है तो आपको मुंडी घुमा के कई बार देखना पड़ता है, मुंडी, ठीक है, इट्स ओके। तो लेफ्ट अगर आपको लेना है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा, इसका जो राइट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो अगर वो बोल रहा है आपको लेफ्ट लेना है, मतलब ऊपर जाएंगे कितना, वापस अगर आप 4 चले गए, थोड़ा सा ये लहराता हुआ हो गया पर चलेगा, उसके बाद दोबारा उसने आपको लेफ्ट बोला तो आपको इधर ही मुड़ना है, वापस लेफ्ट बोला तो आपको इधर मुड़ना है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लोज पाथ बनाता है जब आप बार बार लेफ्ट 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 मूव करते हैं, या बार बार राइट 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 मूव करते हैं, या आप कंटिन्यूअसली लेफ्ट मूव कर रहे हैं, वो भी सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे कंटिन्यूअसली लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो सर्कल क्लोज पाथ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, आपने 2 किलोमीटर सीधा चले, आप लेफ्ट मूव कर गए, यहाँ 3 चले, आप फिर लेफ्ट मूव कर गए, यहाँ 4 चले, आप फिर लेफ्ट मूव कर गए, फिर उसके बाद 5 चले, तो बन तो क्लोज पाथ ही रहा है ना। वो बात अलग है कि यहाँ पे आपके पास में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा क्लोज करने के लिए, लेकिन बन ये मूव सर्कुलर पाथ ही रहा, या 6 चल गए। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि घूम आप इसी तरीके से रहे हो, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हो गया, तो अगर ये लेफ्ट है तो इसी तरीके से कौन भी जाएगा, राइट भी जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरी चीज आपको ये देखने को मिलती है कि यदि आप सेम मूव करते हैं, या तो लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट, या राइट टू राइट टू राइट, तो आप एक क्लोज पाथ बनाते हैं। और दूसरी चीज कि जो डायरेक्शंस के बीच का गैप होता है, यदि आप मेन टू मेन जा रहे हैं तो 90 डिग्री, मेन टू सब जा रहे हैं तो 45 डिग्री, और सब टू सब जा रहे हैं तो 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? मैं इनकी डायरेक्शंस और आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप ईस्ट साइड में जा रहे हो तो ईस्ट की डायरेक्शंस में लेफ्ट और राइट कुछ इस तरीके से चलता है। ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो ऊपर होगा और राइट जो होगा वो नीचे होगा। बस आप इसी लाइन को मूव करते चलिए, आपको और कुछ नहीं करना है, इसी अकॉर्डिंग इन सब की डायरेक्शंस आती जाएंगी। ये देखो, इसका लेफ्ट ऊपर है तो इसका लेफ्ट भी ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। जैसा बन रहा है वैसा बनाते चलो, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, जैसा बन रहा है बनाते चलो, आपको और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपको इन डायरेक्शंस के लेफ्ट और राइट पता हो जाएंगे, और वो बहुत जरूरी है, हम इसी में कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये दो कंसेप्ट हमारे पास डायरेक्शन डिस्टेंस के हो गए, ठीक है। अब आगे और चलते हैं, हम कुछ इनको पॉइंट्स की फॉर्म में ही करेंगे हम आज। देखिए, थर्ड डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो डायरेक्शन के सेंस में हम बात कर चुके हैं, एंगुलर फॉर्म में भी बात कर ली हमने, नॉर्मल भी बात कर लिया। डिस्टेंस पे आते हैं थोड़ा सा। आपके पास जो डिस्टेंस होती हैं, आपको दो तरह की डिस्टेंस होती हैं आपके पास, एक मेन डिस्टेंस होती है, एक डायरेक्शन डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। दो डिस्टेंस होती हैं हमारे पास यदि मैं बात करूं तो, डिस्टेंस की यदि बात की जाए तो हमारे पास में एक होती है डायरेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये, डायरेक्ट डिस्टेंस, और दूसरी होती है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस। तो देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। मैं सपोज इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने अगर इस एग्जाम्पल की बात करी, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट नहीं ना, हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। इस सेकंड वाले के अंदर अगर वो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछता है तो आप टोटल डिस्टेंस बोलोगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6, मतलब 6 + 5 11 + 4 15, 15 + 5 20, मतलब जितना वो चला है स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, टोटल आपको डिस्टेंस बतानी कितना चला है। एक पूछता है वो डायरेक्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली होगी कि भैया ये एंड पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है ये डायरेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, या इसको आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, कि भैया मुझे ये बता दो और ये बता दो तो मैं ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको अगर मैं बात करूं तो ये 3 है, ये टोटल 5 है, यहां तक तो 3 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये टोटल 4 है, यहां तक कितना हो गया अगर मैं बात करूं तो, और यहां तक कितना हो गया, तो ये जो आप ले रहे हो ये 2 चले हो, तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो गया 2, ये 2 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये अगर 2 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 4 और 2 का पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2
टू का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20। आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 20 किलोमीटर्स। यहां तक क्लियर है? या इसको आप क्या भी लिख सकते हो, 2√5। ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां तक बात आई थिंक आप सबको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास में डायरेक्ट डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस। तीन कंसेप्ट यहां तक क्लियर है सबको। एक चौथा कंसेप्ट और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए जल्दी से, चौथा एक कंसेप्ट और होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है हमारे पास में, कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारे पास में। देखो, कई बार क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करवाएगा, कई बार क्वेश्चन आपको लास्ट से पिक करेगा, कि कुछ नहीं बताएगा स्टार्टिंग में, सिर्फ ये बताएगा कि उसने चलना स्टार्ट किया, वो 5 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर राइट टर्न ले लिया, और लास्ट में जब वो जा रहा था तो 6 किलोमीटर चला था, 6 किलोमीटर चला था, और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ में थी। तो अब आपको पीछे से क्वेश्चन को पिक करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन को पीछे से भी पिक करना पड़े तो हमें वो भी आना चाहिए, ठीक है? तो जब पीछे से क्वेश्चन पिक करेगा तो उसमें भी 2-3 कंडीशन होती है। अगर नॉर्मल लेफ्ट राइट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब डायरेक्शन में आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो देखो, सब डायरेक्शंस का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, कैसे कि सब डायरेक्शन में मूव कैसे करना होता है। तो सब डायरेक्शन में मूव कैसे करना होता है देखता हूं। जैसे सपोज मैं ईस्ट की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, ये मैं 4 किलोमीटर चला ईस्ट की डायरेक्शन में, ये टोटल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ठीक है? अब उसने मेरे को क्या बोल दिया कि ईस्ट में 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको 45 डिग्री राइट में मूव करना है। 45 डिग्री राइट में कितना चलना है? 2 किलोमीटर चलना है। अब पहली बार 2 किलोमीटर तो मैं चल लूंगा, लेकिन मेरे को ये तो पता हो कि 45 डिग्री राइट होता क्या है। अगर आप ईस्ट की तरफ फेसिंग हैं और आपको आपका 45 डिग्री राइट चाहिए, तो इस ईस्ट वाली लाइन को ही उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो। आपको पता है कि इस ईस्ट का ये जो है ये लेफ्ट है, ये जो है ये क्या है, राइट है। आपको जाना किधर है? राइट में ही जाना है, लेकिन पूरा राइट नहीं जाना, क्योंकि अगर आप पूरा राइट चल जाओगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल यूं चले गए नीचे की तरफ तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आपको जाना है 45, तो आप 90 से जस्ट पहले राइट की तरफ 45 डिग्री में यहां मूव कर जाएंगे। तो देखो, आपको समझ में आ गया होगा, अगर ऐसे है तो ये आपके पास में 45 डिग्री एंगल बन गया, और ये कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है, और ये आप किसी पॉइंट के पे पहुंच गए। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? नहीं आई हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। एक मैं और समझा देता हूँ नॉर्थ के रिगार्डिंग। अगर मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ और 3 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ पीछे से, ठीक है, पॉइंट ओ से 3 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, अब कोई मुझे बोले कि आप लेफ्ट में 45 लो, तो ये हो गया ऊपर लाइन एक्सटेंड करी, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं इधर चला गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन मुझे 45 चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये 2 किलोमीटर। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। और एग्जाम में यही पूछ लेता है ये कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक मैंने सब डायरेक्शंस का जो एंगल था वो चेक कर लिया, कि मेरे पास में जो सब डायरेक्शंस हैं उनका एंगल क्या होने वाला है, ठीक है? आगे चलते हैं और एक लास्ट कंसेप्ट और देखते हैं। वो लास्ट कंसेप्ट मेरे पास में क्या है मैं बता देता हूं। दैट इज योर, ये सन से रिगार्डिंग है, ठीक है? किससे रिगार्डिंग है? ये सन लाइट से रिगार्डिंग है। तो सन लाइट से रिगार्डिंग कंसेप्ट क्या है आपके पास में, कि जब सन ईस्ट या वेस्ट में होता है तो डायरेक्शन की शेडो कहाँ बनती है, तो इसको आप शेडो कंसेप्ट भी कह सकते हो, इसको आप शेडो कंसेप्ट भी कह सकते हो। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सन है वो राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से राइज होता है, और आपके पास में राइज होने के बाद वो वापस ढलता किधर है अगर हम कहें तो वो होता है वेस्ट में। सनसेट किधर होता है? वेस्ट में। और राइज किधर होता है? ईस्ट में। क्लियर है? तो बस हमें यही कंसेप्ट उठा के यहाँ चेक करना है। तो किस तरीके से करेंगे एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस लाइन की, तो ये जो लाइन है ये आपको ईस्ट की तरफ ले जा रही है, और यही लाइन यदि मैं इधर एक्सटेंड करके देखूँ तो ये वेस्ट है, ठीक है? ये मैंने एक मार्जिनल लाइन बना ली है अपने पास में, जो कि एक मिड पॉइंट की तरह काम कर रही है। यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे अगर सन है वेस्ट में, इसका मतलब इवनिंग टाइम है। अगर वेस्ट में सन है मतलब कौन सा टाइम है? इवनिंग टाइम है,
ठीक है, यहां अगर सन दिख रहा है मतलब कौन सा टाइम है, इवनिंग टाइम है, और अगर सन यहां है तो कौन सा टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, ये तो हमें पता ही होगा, ठीक है, अभी हमने मेंशन भी किया है, ये कौन सा टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, क्लियर। अब देखो यदि आपका सन ईस्ट में है तो अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, सपोज कोई व्यक्ति अगर यहां खड़ा हुआ है इधर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो शेडो है वो कहाँ कहाँ जा सकती है। तो यदि सन आपका वेस्ट में है और आपका फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, आपका फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो यदि सन यहाँ पे है आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपकी शेडो किधर बनेगी, तो आपकी शेडो इधर की तरफ बनेगी, नीचे मतलब ईस्ट में ही बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर सन वेस्ट में है तो आपकी शेडो किधर बनेगी, ईस्ट में है, ईस्ट में बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी लाइन को मेंशन कर देता हूं तो किसकी शेडो किधर बनेगी यह हमें देखना है। ये आपके पास में नॉर्थ हो गया और ये आपके पास में क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो यदि मेरे पास में शेडो की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं अगर इवनिंग का टाइम है और व्यक्ति ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसकी शेडो उसके फ्रंट में बनेगी। इवनिंग के लिए मैं इधर लिखूंगा, मॉर्निंग के लिए उधर लिखूंगा। इवनिंग का टाइम है और कोई व्यक्ति या पर्सन, कोई पर्सन ठीक है, किधर देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, तो उसकी शेडो उसके फ्रंट में बनेगी। यहां से आपको देख के पता होगा यहाँ पे है ईस्ट में, अगर देख रहा है तो उसकी शेडो उसको उसके सामने दिखेगी क्योंकि पीछे से सनलाइट आ जाएगी और गिर किस तरफ रही है, ईस्ट की तरफ। अगर वो वेस्ट में देख रहा है तो उसकी शेडो उसके बैक साइड में बनेगी, क्योंकि अगर उसका फेस इस तरफ है सनलाइट तो उधर ही गिरने वाली, सनलाइट यहीं से आने वाली है, शेडो इधर ही बनने वाली है। इस केस में शेडो इधर ही बनेगी व्यक्ति के, जो शेडो है वो इधर ही बनेगी व्यक्ति के, ठीक है। इधर देख रहा है तो उसके बैक साइड में हो गई, अगर वो वेस्ट में देख रहा है, इधर देख रहा है तो उसकी शेडो बैक साइड हो गई, इधर देख रहा है तो उसके फ्रंट में हो गई, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट कहीं पे भी देखे तो क्या होगा, अगर वो नॉर्थ में देख रहा है, अगर वो नॉर्थ में देख रहा है मतलब ऊपर की तरफ इधर देख रहा है, तो उसकी शेडो उसको किधर दिखेगी, ये उसका राइट हो जाएगा। अगर वो यहाँ देख रहा है तो ये उसका राइट हो जाएगा, तो नॉर्थ के केस में उसकी शेडो जो है उसके राइट में बनेगी, और अगर वो साउथ में देख रहा है मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर साउथ में देख रहा है तो उसकी शेडो उसके लेफ्ट में बनेगी। बस इतना सा आपको समझना है, इसको इमेजिन करके देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन वो किधर देख रहा है डिपेंड इस बात पे कर रहा है, यदि वो ईस्ट में देख रहा है तो उसको सामने दिखेगी क्योंकि उसका फेस भी उधर है और शेडो भी उधर है। वेस्ट में देख रहा है तो फेस तो इधर है, शेडो पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ बनेगी। नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट हैंड इस तरफ होगा, और साउथ में देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। तो ये समझ में आ गया आपको, इवनिंग के केस में जब भी आपको एग्जाम के अंदर वो बोले इवनिंग का टाइम है या सनसेट का टाइम है तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, और जब भी वो बोले मॉर्निंग का टाइम है तो यही केस जस्ट उल्टे हो जाते हैं, जो ईस्ट है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट वाले केस के अंदर अब आदमी यहां खड़ा हुआ, अगर मैं सपोज बोलता हूं कि आदमी यहां खड़ा हुआ है, तो ईस्ट वाले केस के अंदर आदमी यदि वेस्ट में देखेगा तब उसके फ्रंट में होगी, अगर वो ईस्ट में ही देख रहा है तो इसकी शेडो यहां गिरने वाली है। तो इस केस के अंदर अगर वो ईस्ट में देख रहा है तो उसको कहां दिखाई देगी, बैक साइड में दिखाई देगी, उल्टा हो गया। यदि वेस्ट में देख रहा है तो वेस्ट में देखेगा, तो उस केस के अंदर वो यहां देखेगा तो शेडो उसको अपने सामने दिखाई देगी, फ्रंट में, ठीक है। नॉर्थ में देख रहा है तो नॉर्थ में देख रहा है तो लेफ्ट में दिखाई देगी, और अगर साउथ में देख रहा है तो लेफ्ट में दिख राइट में दिखाई देगी। यहां तक क्लियर हो गई कहानी सबको? सबको क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गई कहानी कि ये एक शेडो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में शेडो कंसेप्ट के ऊपर आता है तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक कंसेप्ट थर्ड मैं फिर से बता देता हूँ क्या याद रखना है, ये सब डायरेक्शन का कंसेप्ट ध्यान रखना है, 45 डिग्री एंगल पे मूव कब करते हैं, एक टोटल डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस याद रखनी है कैसे मेजर किया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं या राइट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसके इसमें क्लोज पाथ बनता है, और एक हमारे पास कंडीशन है एंगल्स और उनके लेफ्ट और राइट, बस डायरेक्शन डिस्टेंस में इसके अलावा कुछ नहीं है।
और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहले वन लाइनर्स पूछे जाते थे, आजकल डायरेक्शन डिस्टेंस के वन लाइनर्स नहीं पूछे जाते। आजकल जाओ जो भी डायरेक्शन डिस्टेंस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके पास में पजल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जितने भी डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे उसमें शॉर्ट पजल आपसे पूछी जाएगी, और शॉर्ट पजल के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 से लेके 5 क्वेश्चन, डिपेंड करता है उसमें टिपिकलिटी लेवल क्या यूज किया गया है। ठीक है, तो 3 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर। आपको वो सबसे एक डायग्राम बनाने को बोलेगा, अगर आपने वो बना लिया तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बस वो हमें सॉल्व करने होंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे कंसेप्ट से रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, मैं कुछ पजल्स भी ले आऊंगा इसके अंदर उसी की, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ले आऊंगा और डायरेक्टली उनको ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली पूछिएगा। अगर इस इन कंसेप्ट में से किसी में प्रॉब्लम हो या कुछ और एक्स्ट्रा आपको लगता हो कि सर ये का कंसेप्ट होता है ये कैसे देखते हैं, तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और जितने लोगों में शेयर कर सको प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे, हमें बूस्टअप मिलेगा और अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।